लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट मस्ट हैव पे। इन समर्स में आपके पास होनी ही चाहिए शॉर्ट्स। नहीं, मैं YouTube शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निक्कर की बात कर रहा हूँ। अब देखो, शॉर्ट्स आप सिर्फ कैजुअल जगहों पे पहन सकते हो। मेरे हिसाब से कॉलेज में पहनने के लिए शॉर्ट्स बहुत बढ़िया चीज है। मुझे पता है कुछ कॉलेजेस में शायद अलाउड नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी शीशे के बाहर खिड़की के बाहर फेंकनी चाहिए और शॉर्ट्स पहनना शुरू करना चाहिए अगर आपके कॉलेज में अलाउड है तो। भाई मैं तो कॉलेज में शॉर्ट्स ही पहनता था। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा जज होता था कि ये निक्कर पहन के आता है, लेकिन आपको ना उसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि फर्क नहीं पड़ता। बैन मत करना YouTube, दूसरी उंगली उठाई मैंने। यार शॉर्ट्स पहनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको गर्मी कम लगेगी, और अल्टीमेटली तो हम कपड़े पहन के यही चाहते हैं ना, हम कंफर्टेबल फील करें। लेकिन शॉर्ट्स में आपको कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए वो आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप स्वेट शॉर्ट्स पहन सकते हो जो कि काफी बेसिक कैजुअल वेयर वाले स्टाइल में आती है, या फिर आप थोड़ी सी बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहन सकते हो जो कि थोड़ी सी कूल लगेंगी, या फिर आप बेसिक चीनो शॉर्ट्स भी पहन सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है और आपका जो स्टाइल है आपको उस हिसाब से लेनी चाहिए। इसमें भी कलर्स आपको बेसिक ही रखने चाहिए, इधर उधर एक्सपेरिमेंट नहीं करना अगर आपको एक मस्ट हैव वाली वार्डरोब बिल्ड करनी है, तो जो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जाए। मेरी पहनी हुई शॉर्ट्स के भी सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यार अल्टीमेटली देखो, कपड़े बहुत सारे स्टाइल के होते हैं, आपको स्टार्टिंग में वो लेने चाहिए जो कि वर्सेटाइल हो। इसलिए मैं मस्ट हैव्स वाली वीडियो बनाता हूं, इसमें से जो भी आप पीसेस लोगे वो दुनिया जहान के कपड़ों के साथ अच्छे लगेंगे, तो उसके बाद आप ट्रेंड्स भी फॉलो कर पाओगे और उतने ट्रेंड्स फॉलो करना जितने आपको मजा आ रहा। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।